इसमें दिख रहा है ये वाला। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत ही बढ़िया है, देखो पूरा मैच्योर हो गया ये वाला। और एक मिला है देखो। ओह ये वाला तो बिल्कुल आई हीरो की तरह है, ये देखो दोस्तों इतना भारी है, 2 किलो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे इतने ही मिले हैं हमें, बहुत ही भारी है। तो सरप्राइज है, तो लम्बू ने मुझे बता दिया है और सरप्राइज दरअसल 15 तारीख को रिवील कर देंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पर। तो सुबह उठते ही जो है हम घर के कामों पे लग जाते हैं, तो आज फाइनली धूप दे रही है, बहुत दिन हो गया यहाँ पे बारिश ही बारिश दे रही है। तो अभी तो सबसे पहले घर के काम कर लेते हैं दोस्तों। आज मुझे जाना पड़ेगा फिर से आधारकार्ड का ऑफिस में, वहाँ पे जो है मंजिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो ठीक कराना है, और उसका आधार कार्ड भी अभी तक नहीं हुआ है। मेरा भी कुछ वो क्या बोलता है एक कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, तो उसका कारण हम दोनों आज जाएंगे आधारकार्ड का ऑफिस में। तो सबसे पहले ये घर के काम कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम लोग का। बाथरूम पे देखो लैम्पो भी है और दीदी भी पूरा अपने अपने काम कर रही है। लैम्पो जो है दरअसल वहाँ पे नेट चला रहा है क्योंकि हम लोग का बाथरूम पे ही नेट चलता है। तो अभी मैं ये बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गया बारिश की बारिश दे रही है, तो दीदी तो अपने कपड़े थोड़ा वॉश करेगी और पानी वगैरह घर पे उठाना है। तो फ्रेश अप भी हो चुकी हूँ दोस्तों, और जितने भी गंदे कपड़े थे मैंने सब भिगो के रख दिया है। तो अभी जो है हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। अभी चावल को भी मैंने चढ़ा दिया है यहाँ गैस पर, तो यहाँ पे जो है मैं ब्रेड गरम कर रही हूँ, आज ब्रेड खाऊंगी। ब्रेड ये देखो कल खरीद के लेके आए थे ना ये वाला, अपने पास तो मशीन नहीं है, बस यही तवा से हम लोग गरम करके खाते हैं। और यहाँ पे बटर भी है, और दीदी बाहर पे जो है साग को छील रही है, लौकी के साग खाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तावे पे गरम किया है, तावा जो है हम लोग का थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत ही जल ये देखो जल जाती है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं खाऊंगी मैं। और ये भी आ चुका है, यहाँ पे मिर्च तोड़ के लाया है, इसे बॉईल करना पड़ेगा मिर्च को। क्या ये मेरे लिए? नहीं किसके लिए? लिए ये मेरे लिए होगा। सूखा आदत नहीं है। हमने ब्रेड वगैरह भी खा लिया है दोस्तों, अभी फिर से यहाँ पे पपाया का सब्जी पकाने के लिए कटिंग हो रही है, और हम गाबुच्चे को नीचे पे बंद करके रख दिया है क्योंकि वो बहुत ही बदमाश हो गया, क्या क्या काट देता है, अभी उसको सजा मिल रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले ये वाली पपाया को काट लेते हैं, देखो एकदम ताजा ताजा ये पपाया है, इसको जो है हम लोग बॉयल की तरह ऐसे पकाएंगे। यहाँ ब्रेकफास्ट निकाल दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो पपाया का सब्जी बिल्कुल ऐसे बनाया है एकदम चटनी की तरह। ये देखो इसमें जो है धनिया भी दिया है, और ये लौकी के पत्ता, और यहाँ पे कल का पोर्क रोस्टिंग अभी भी है, तो अभी मैं खाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से खाऊंगी मैं पपाया का सब्जी, बहुत ही टेस्टी होती है। कोई कोई ये टेस्टी वाला वाद सुन सुन के उसका कान पक रहा है, कल कमेंट किया था तेरा पक रहा है। ऊपर से ऊपर तो अभी थोड़ा थोड़ा धूप दे रही है दोस्तों। मैंने सुबह पे कपड़े को यहाँ पे भिगो के रखी थी, तो अभी इसे वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं फ्रेश अप होके एक्चुअली दोनों जाएंगे हम दोनों लम्बू और मैं आधारकार्ड का ऑफिस में, हमें कुछ काम है। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे फिर से एक दोस्त का वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो टीचर है, वहाँ पे कुछ वो पढ़ाई उसके लिए जो है लिखना पड़ेगा कुछ। तो आ जाओ वॉश कर लेते हैं, बहुत ही बोरिंग लगती है रे, देख सकते हो हालत कैसा हो गया है, पूरा ऐसे आलसी भी बन गई हूँ, ऐसे बारिश देने से ना सभी आलसी बन जाते हैं, तो काम करने के लिए भी बोरिंग लगती है, थोड़ा ऐसे एकदम बॉडी में तो एकदम थकान लगती है। ये देखो आ चुका है, चलो कपड़ा धोते हैं उसको, नहा के कपड़े सूख जाते हैं।
मैंने इसको दे दिया है कपड़े को वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं आलसी हूँ। नहीं मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आज के लिए आलसी बन गई हूँ, है ना? गंदा क्या करना, चलते दिन में क्या करना है, वो मेरा कुत्ता है। वो भी तेरा है, सब मेरा ही है, सब तेरा है। तो चलो हाँ, तो अभी दोस्तों ऐसे तो मेरा पाप हो जाएगा इसको अगर मैंने सारे वस्तु निकले दे दिया तो। मैं एक गाना गा देता हूँ, तेरा इस बाल्टी में कुछ नहीं सब मेरा। तो कपड़े को यहाँ पे सूखने के लिए दे दिया है दोस्तों, अभी हम प्रेसर खोल लेते हैं, जल्दी जाना पड़ेगा, अभी 10:30 बज चुका है। और यहाँ पे देखो कल मम्मी खरीद के लेके आई थी, ये देखो बेम्बू सूट 150 में 1 किलो, इतना अच्छा है। अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं दोस्तों ऑफिस में जाने के लिए, दरअसल आधार कार्ड का ऑफिस में जाने के लिए, हम लोग का डायरेक्ट ऑफिस नहीं। ये देखो ये भी रेडी हो चुका है, एकदम हीरो लग रहा है। तो चलो भाई साहब देखो इतना तेज धूप दे रही है, अभी मैं वहाँ पे इंतजार कर लेती हूँ। रास्ता भी बहुत ही खराब है, कीचड़ कीचड़, क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हुआ है ना हम लोग का ये गांव का रास्ता। तो अभी जाते हैं सीधा आधार कार्ड का ऑफिस में दोस्तों, जल्दी से जल्दी वो सब काम निपटाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ ऑफिस में, तो वहाँ जाना पड़ेगा हमें। तो चलो आज बहुत ही सारे देख रहे हैं, आज ये ट्यूसडे है तो हम लोग मंडे को आ नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ही बारिश दिया था यहाँ। तो अभी पूछ लेते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हमने अपने अपने आधार कार्ड जो है वहाँ पे सबमिट कर दिया है, तो थोड़ा देर बाद लंच टाइम हो जाएगा और लाइन भी बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग फिर से जा रहे हैं बैंक में, इसका कुछ काम है, बैंक से साइन लाना पड़ेगा। हम दोनों बैंक पे भी गए थे दोस्तों, पर बैंक का काम जो है नहीं हुआ है अभी, तो भूख लग रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चाउमीन खाने के लिए आए हैं। ये देखो भूख लग रहा है ना, हाँ, बहुत हाँ, लग रहा है। अभी इसे खा के फिर से हमें जाना पड़ेगा आधार कार्ड का ऑफिस में, हाँ, हमें जो है 4 बजे या 5 बजे तक वहाँ पे रुकना पड़ेगा। पता नहीं आज ब्लॉग कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ पे सारा दिन जाएगा आज तो। अभी दोस्तों हम लोग फिर से ऑफिस में आए हैं, तो अभी सब बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लंच ब्रेक हुआ है, हम लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और मेरा तबीयत पूरा खराब होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों मेरा काम हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे घर। 3 से भी ज्यादा बज चुका है, इसका तो काम नहीं हुआ है, इसको जो है फिर कल से आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। मैं तो पूरा इसका वेट करते करते अपने यो हनी सिंह पाजी के पूरा रील्स वगैरह देख रहा था और आंखों में आंसू आ रहे थे, भाई बिगेस्ट फैन, लव यू। अभी मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा ऑर्डर का जो है बहुत वो हो गया, सब कुछ हो गया है, अभी बस इंतजार करना है 15 डेज तक। और हाँ 15 तारीख को ना हमारे हनी सिंह पाजी का एल्बम रिलीज हो रहा है, तो अच्छा। हम लोग भी उस दिन एक सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, रेडी रहना 15 तारीख को। चलो अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, सुबह जो मैं कपड़े वॉश की थी ना अभी उसको घर पे रखूंगी क्योंकि शाम होती जा रही है, तो मुझे जो है ये ब्लॉग को अभी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। भी थोड़ा अच्छे से सूख गए हैं, ये देखो कल फिर से वॉश करनी पड़ेगी, बहुत ही गंदे हो चुके हैं हम लोग का कपड़ा। तो मैं और मम्मी जो है हम लोग का खेत से हम लोग पानी कुमरा अभी कलेक्ट करेंगे, तो आज जो है हम लोग ये पानी कुमरा को कलेक्ट करने के बाद घर पे कुछ पूजा होगा, अभी नहीं कुछ दिनों के बाद पूजा होगा, इसलिए हम लोग जो है ऑलरेडी ये पानी कुमरा को ये कलेक्ट करके रखेंगे। तो अभी ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे जो है बहुत ही जंगल हो चुका है, उस साइड में तो भैया ने जो है दवाई मार दिया है ग्रास वगैरह को मरने के लिए, तो अभी यहाँ ढूंढ लेते हैं। उस दिन लेमो देखा था पानी कुमरा बहुत ही है, इसमें दिख रहा है ये वाला, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये वाला बहुत ही बढ़िया है, देखो पूरा मैच्योर हो गया ये वाला, ये देखो इतना बड़ा, मुझे 2 मिल गया, एक कद्दू है यहाँ पे रखते हैं ये टोकरी पे, मिला है मम्मी? हाँ यहाँ पे एक तो है, ये देखिए ये छोटे वाले सब यहाँ रख देंगे क्योंकि हम लोग जो है पूजा करेंगे उसमें चाहिए होगा। तो अभी और भी ढूंढ लेती हूँ, यहाँ पे कद्दू है, कद्दू को नहीं तोड़ूंगी, यहाँ पे सफेद वाला एक तो है, ये देखिए दोस्तों, अरे टूट जाओ,
टूट जा। हाँ टूट गया, ये देखो कट्टू मिला है। हाँ वो पक गया ना। हाँ और भी ढूंढ लेते हैं पानी कुमरा कितना मिलता है। अभी इसको भी टोकरी पे रख के आती हूँ, यहाँ इस पे रख देती हूँ। ये देखिए और भी मिलेगा शायद उस साइड में। और मम्मी जो है यहाँ पे देखो ये वाले इस्तिमना क्या कहता है इसको, हाँ इस्तिमना क्या कहता है पता नहीं, इसे भी खा सकता है। ये देखो बहुत ही टेस्टी होती है, हम लोग कहते हैं हमरो दादी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। एक दिन आप लोग को ये वाला रेसिपी शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी के लिए ये सब्जी को रख देते हैं, कल दिखाऊंगी। हाँ हो गया, ये देखिए दोस्तों ये वाला खा सकता है। यहाँ पे भी एक तो है ये वाला, बहुत ही अच्छा है। ये देखो पूरा लंबा करके, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। मम्मी को फिर से यहाँ पे कद्दू मिला है, ये देखो उस साइड में भी है। हम लोग का बगीचे में, सुपारी का बगीचे में बहुत ही सारे कद्दू है, तो यहाँ पे इतने ही मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। जंगल हो गया ये वाला, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, फिर से नहीं है। पानी कुमरा खत्म हो गया है, यहाँ पे इतने ही मिले हैं हमें। बहुत ही भारी है, तो मैं ये पकड़ के लेके जाऊंगी। वो वाला ले लिया, हाँ चलो यहाँ पे रखेंगे ये वाला पानी कुमरा को, यहाँ रख देते हैं। कद्दू को भी रखेंगे घर पे, जो है उतना जगह नहीं है। वैसे भी ये लकड़ी वाला घर है, इसमें सारे सामान वगैरह रख देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला बहुत ही बढ़िया होगा, लोकल चिकन से, लोकल चिकन के साथ मजा आएगा वो खाने में। ये देखो ये मुझे मिला था इतना बड़ा। और हम लोग जो है यहाँ से एक पैकेट नमक लेके जाएंगे घर के लिए। अभी फिर से दोस्तों हम लोग जो है, मैं और मम्मी यहाँ पे कद्दू का साग में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा अवेलेबल है। ये देखो इतना बड़ा कद्दू का खेती मम्मी ने किया है। ये दरअसल ये देखो यहाँ पे अभी भी कच्चा है ये वाला, जो पके होंगे वही लेके जाएंगे ना मम्मी। हाँ मिल गया, हाँ ये वाला बहुत ही टेस्टी होगा, क्योंकि ये छिपटा वाला ना बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। तो अभी फिर से इसको रास्ते में रख देती हूँ ना, रास्ते में रख देती हूँ। मुझे जो भी दिखाई दे रहा है सब कच्चा कच्चा है, क्यों पके नहीं है भाई, कहाँ गया भाई पका हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। हाँ इसको अच्छे तरीके से धुलना पड़ेगा। और एक मिला है, ओह ये वाला तो बिल्कुल आई हीरो की तरह है। ये देखो दोस्तों इतना भारी है, 2 किलो ऐसा हो जाएगा, बहुत भारी है ये। ये वाला खराब हो गया देखो, ये लंबे वाले भी उतना अच्छे नहीं होता है, मुझे गोल वाला पसंद होते है, तो मैं गोल वाला ढूंढ लेती हूँ। मुझे जो भी दिखाई दे रहा है सब कच्चे कच्चे है, कच्चा कच्चा। यहाँ फाइनली एक तो मिल चुका है, ये देखो। हाँ ये देखो उतना अच्छा नहीं है, पूरा कैसा हुआ। अभी फिर से ढूंढ लेते हैं मिलता है कि नहीं। यहाँ पे पूरा दो है ये वाला, एक यहाँ पे एक, सब कच्चा कच्चा, जो पके होंगे वही लेके जाएंगे। तो मम्मी बोल रही है कि दोस्तों हम लोग का जो कद्दू है वो अभी तक पके नहीं, अच्छे से मैच्योर नहीं हुए हैं, तो जब मैच्योर हो जाएंगे उस टाइम पे तोड़ेंगे। बहुत मिलने वाला है, पैसा मिलेगा मम्मी को, मेहनत का पैसा मिलेगा। आजकल कितना हो गया कद्दू उसका रेट? ओ बाप रे, 8 रुपया 1 किलो का। ओ माय गॉड, 1 किलो का 8 रुपया, महंगा हो गया। अच्छा अभी पहले 3 रुपया, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना दोस्तों उस टाइम पे 6 रुपया ना 4 रुपया था। तो लेमो और में 3 बस्ता हमने कलेक्ट किया था, फिर उसके बाद जो है हमें 2000 नहीं 1500 मिला था, पता नहीं भूल गई। पूरा वो पैसे से हम लोग इतना खुश हो गए थे। अभी मम्मी को देख लेते हैं कितना मिलता है, जब अच्छे तरीके से पक जाएंगे ना उस टाइम पे दिखा देंगे कितना मिलता है। जो मम्मी बेचेगी वो पैसे तो मम्मी ही लेगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। तो अभी जाते हैं, इसको जो है इसे पार होनी पड़ती है, तो अभी इसको भी रख देती हूँ लकड़ी वाला घर पे। हम लोग का प्यारा सा सब्सक्राइबर आई थी हम लोग का घर पे घूमने के लिए, दरअसल वहाँ पे उनका खेत है, तो यहाँ से लेके जा रही है ये पानी कुमरा का जो स्टीम है सब्जियाँ। हाँ सब्जियाँ, ये देखो सारा मिला, बहुत ज्यादा, कहाँ बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा भी नहीं है। जब हम लोग का खेत में सब रेडी हो जाएंगे उस टाइम पे आना। हाँ यहाँ रेस्ट करके दोस्तों अपने ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, तो दीदी जो है डिनर की तैयारी कर रही है, क्योंकि रात हो रही है देख सकते हो। और दीदी यहाँ पे
क्या पका रही है? ये वाला क्या है? अच्छा उसका स्टीम है, ये देखो जैसे तेल देके। और कुछ और देख क्या? अच्छा हाँ फेडलेट पान, तो उसे भी बॉईल करके खाएंगे। तो अभी मैं ये ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ कितना होता है मिनट। तो रात भी हो रही है दोस्तों, मुझे जो है कुछ काम है। दीदी तो डिनर बना रही है, तो आज मैं डिनर नहीं बनाऊंगी, दीदी बना रही है। दीदी सुबह में भी बनाई थी, अभी मुझे जो है मेरे कपड़े वगैरह सब समेटना पड़ेगा। मैंने बारिश के वजह से पूरा इधर उधर रख दिया है, गीले कपड़े भी है, तो कल फिर कपड़े वगैरह वॉश करनी पड़ेगी। और अभी ये ब्लॉग को यही पे एंड कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। आज दिन भर कुछ बनाने के लिए नहीं था, तो मुझे जो है आधार कार्ड का ऑफिस में काम था, तो सबसे पहले मैंने उसको अच्छे तरीके से वो काम कंप्लीट कर पाया। तो और जो सरप्राइज है, तो लम्बू ने मुझे बता दिया है, वो सरप्राइज दरअसल 15 तारीख को रिवील कर देंगे हम लोग। तो आप लोग एक्साइटेड रहना क्या होता है, हम लोग का लाइफ में बहुत ही बड़ा सरप्राइज है वो, तो आप लोग इंतजार करना। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट सभी को, लव यू ऑल।